हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीप एंड टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ क्लास वन एक्सरसाइज वन। तो बच्चों, आज के हम वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिनका नाम था द लिटिल प्लान। तो इसका पार्ट वन अपलोड हो चुका है, वो अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उनका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर बताइए। व्हाट लेज फास्ट एज स्लीप इन द हार्ट ऑफ सीड, कौन जो है सो धरती के अंदर जाते ही एकदम प्यार से सो जाता है। तो क्या नाम है उसका? लिटिल प्लांट, छोटा पौधा धरती के अंदर जब बीज डालते हैं तो वो जल्दी ही सो जाता है। हु वेक्स अप द सीड, उस बीज को कौन जगाता है, क्या उस पे पड़ता है तो वो बीज जग जाता है? सनशाइन। तो क्या इसका आंसर होगा? सनशाइन, वेक अप द सीड। नेक्स्ट है, व्हाट डज द सीड सी आउटसाइड, जब छोटा सा जो बीज होता है वो बाहर निकलता है तो क्या देखता है? तो बच्चों, क्या देखता है वो सीड बाहर निकलेगा तो? वंडरफुल वर्ल्ड को, एकदम अद्भुत संसार को, एक सुंदर सा संसार को देखता है। तो क्या बोलेंगे? वंडरफुल वर्ल्ड सीड सी आउटसाइड, सीड जो है, बीज जो है, एक वंडरफुल संसार को देखता है। कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोयम, इस पोयम के जो लाइन है उसको कंप्लीट करना है। तो यहां पे दिया गया इन द डॉट 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 डीप, तो इन द इसके फर्स्ट लाइन में क्या मिसिंग है वो हमको फिल अप करना है। तो यहां क्या होगा? इन द सेट द, सॉरी यहां हो जाएगा इन द के बाद होगा हार्ट ऑफ अ सीड, इन द हार्ट ऑफ द सीड। सेकेंड लाइन में होगा ब्यूरिड डीप सो डीप, क्या हो जाएगा? ब्यूरिड डीप सो डीप। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए डियर सेड द सनशाइन, यहां हो जाएगा सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द, ठीक है, जो भी मिसिंग लाइन है उसको फिल अप करना है। नेक्स्ट में वेक के बाद क्या है छूटा हुआ? वेक के बाद हम लोग यहां पे फिल अप करेंगे सेट द सनशाइन। फिर नेक्स्ट लाइन में एंड क्रीप टू द लाइट, राइट द राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड कहने का मतलब होता है बच्चों, मिलते जुलते वर्ड को हमको लिखना है, मिला जुला। जैसे डिप का लिखेंगे स्लिप, पिप होता है ना, इसी तरह से लिखना। डिप का क्या लिख देंगे? स्लिप। फिर हम लोग हेयर्ड का क्या लिख देंगे? एब्जर्ड। हेयर्ड का एब्जर्ड, लाइट का डिलाइट, स्लाइट, ये सारे लिख सकते हैं। सी का बी ही, ठीक है ना बच्चों, राइमिंग वर्ड मतलब मिले जुले वर्ड को लिखना है। तो बच्चों, ये रहा क्वेश्चन एंड आंसर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे? पहले आप ये सारे क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लो, हम अभी इसका आंसर देते हैं, ओके? तो बच्चों, ये रहा आंसर जो अभी हम आपको क्वेश्चन करवाए थे उसका। तो आप पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर वीडियो को पॉज करके इस आंसर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये जो बच्चों, जो आगे का जो वर्ड दिया गया है, यहां पे आप देखोगे बी में जो वर्ड दिया इन द, इन द के बाद क्या पढ़ना है बच्चों? आप देखो यहां हार्ट ऑफ अ सीड, फिर देखो बच्चों उसके आगे है ए डियर के बाद क्या क्या भरना है, सो इसमें दिया गया है।